हाँ जी सर, कर लो शुरू प्लीज। जी जी सर, शो सारों नूं सत श्री अकाल, खुशामदीद। मैं ईश्वर औजला, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट आई टी जैतो। अज का जिहड़ा मेरा विषय है कंप्यूटर हार्डवेयर के उपर है, और अपना जिहड़ा टॉपिक है, अपना विषय है, वो शुरू करन तो पहला रोज़ की तरह सेफ्टी फर्स्ट, मिशन फतेह। मिशन फतेह जो कि पंजाब सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है। मिशन फतेह के तहत कोविड 19 कोरोना वायरस जो महामारी का जिहड़ा फैला हो रहा है समुचे संसार दे विच, इस नूं मनुख तो किस तरह जिहड़ा दूर रखा जा सकता है, मनुख नूं किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है इस वायरस तो, इस महामारी तो किवें बचा जा सकता है, उस दीआं कुछ हदायतों का पालन करके अपां मिशन फतेह के तहत अपनी राज सरकार ने कुछ हदायतों का पालन करने वास्ते अपां नूं कहा दस्या गया है, और उन्हां हदायतों का पालन करके अपां इस महामारी तो अपां बच सकते हैं। ये महामारी पूरी विश्व के विच जिहड़े अपने पैर पसार चुकी है, और बड़े भयानक दौर दे विचों जिहड़ा ये समुचा संसार है गुजर रहा है। दिन ब दिन इस धरती दे उपर जिहड़े कोविड 19 कोरोना वायरस तो जिहड़े पीड़ित लोगों की जिहड़ी गिणती आ वह वधदी जा रही है, और दिन ब दिन जिहड़ी मौत दर है इस वायरस के नाल जिहड़ी मौत दर है वह भी ज़्यादा वध रही है। ये बड़ी एक अफसोस वाली गल है, परंतु माहिरां द्वारा जिहड़े आपां नूं दिशा निर्देश दिते जाते हैं उन्हां दा पालन करके आपां इस वायरस तो अपना जिहड़ा बचाव है वह कर सकते हैं, और इस जिहड़े वायरस तो आपां जिहड़ी अपनी जिहड़ी सुरक्षा है वह आपां कर सकते हैं। आपां इस वायरस तो दूरी बना के रख सकते हैं, अपने समाज को अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस स्लाइड दे विच मैं एक दस्या है भी किस तरह जिहड़े अपने हत्थां नूं आपां साफ करना गा, किस तरह उन्हां नूं धो के 20 सैकेंड दे लई साबण दे नाल पूरी तरह जिहड़ा 20 सैकेंड दे लई एटलीस्ट 20 सैकेंड दे लई उसनूं स्क्रब करना मलना गा साबण दे झग दे नाल, और इस समय दे विच जिहड़ा वायरस है वह अपने जिहड़े हत्थां दे उपर किसी भी प्रकार नाल अपने कोले अपने हत्थां दे उपर एंटर करदा है तां ओह 20 सैकेंड दे विच जिहड़ा इह वायरस अपने हत्थां तों लै जांदा है साबण दी झग दे नाल। साबण दे नाल अपने हत्थां नूं प्रोपर ढंग दे नाल वधिया ढंग दे नाल जिहड़ा साफ रख्या जावे, ते तौलिए दे नाल उस नूं पहुँच के फिर उस तों बाद अपने जिहड़ियां रोज़ाना दीआं क्रियावां ने ओह कीतियां जाण। बेसिकली जिहड़ा वायरस है हुण एट दिस टाइम जे जिहड़े माहिर है आपां नूं दस रहे है कि जिहड़ा ये वायरस है हुण बाय एयर भी अपनी शरीर दे विच दाखल होएगा, तां इस पलीत हवा तो इस प्रदूषित हवा तो बचण लई आपां नूं जिहड़ा मास्क है जिहड़ा वह पहनना बहुत ही अति जरूरी जिहड़ा बन जाएगा। कुछ क समा ही जांदा है हुण तां भी जिहड़ा मास्क है आपां जदों बाहर अंदर जाने हैं जदों भी आपां किसी यात्रा ते यात्रा करते हैं किसी वहीकल दे उपर जां बस दे विच स्कूटर दे विच बाइक दे विच कार दे विच जां किसी एक थां तों दूसरी थां ते समाजिक थावां ते आपां जाने हैंगे पब्लिक प्लेसिस दे उपर जाने हैं तां अपने नक ते मूँह नूं जिहड़ा अच्छी तरह ढक के रखना गा, वधिया रुमाल होवे सूती रुमाल, जां तुसीं अपने स्क्रीन दे उपर देख सकते हो भी एक जिहड़ा मैडिकल
मास्क पहनिया होगा उस तरह अपने नक ते मुंह नूं पूरा फुल कवर करके ही बाहर निकलो ते जिहड़ी अपनी कीमती जिंदगी है उसनूं बचाओ अपने परिवार की जिंदगी नूं सुरक्षित रखो अपने समाज नूं सुरक्षित रखो यही मिशन फतेह का जिहड़ा एक आपां नूं नारा दिता गया भी आपां कोविड 19 वैरियर के तौर पर विचर के किस तरह इस जिहड़े पूरे दे पूरे जिहड़े समाज नूं सुरक्षित रखना ते इस मिशन फतेह दे तहत आपां किस तरह जिहड़ी अपनी जित प्राप्त करनी है और समुचे समाज नूं किस तरह आपां वधिया जिहड़ा भविख वल लैके जाना है। समय समय से जिहड़ियां इतिहास गवाह हैगा हिस्टरी गवाह है इस गल दी समय समय से जिहड़ियां बीमारियां जां महामारियां जिहड़ियां इस धरती दे उपर फैलदियां रहियां ने इसका पूरा जिहड़ा गवाह है इतिहास गवाह हैगा पर इस दे विचों जिहड़ा मनुखी जिंदगी नूं सेफ करके किस तरह निकलना है ये मनुख पिछले भूतकाल तो थोड़ा जा झाती मार के उस तो सीखे और सीखने की कोशिश करे। बाकी प्यारे सिखियार्थियों जिंदगी अपनी है और अपनी हथ है अपना ही जिहड़ा फर्ज बनता है इसनों सुरक्षित रखने का क्योंकि जीवन और जिंदगी जी अनमोल है अपने लिए भी और अपने परिवार लिए भी और अपने समाज के लिए भी और अगर जिंदगी सेफ है तो ही अपना इस समाज में एक वधिया जिहड़ी अपनी देन दे सकांगे और इस समाज दे विच रह के अपना जिहड़ा भरपूर जिहड़ा योगदान है वह आपां अपनियां सेवावां दे नाल देवांगे। हुण जिहड़ा अज दा जिहड़ा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर दा इस बारे आपां गल करांगे। कंप्यूटर हार्डवेयर दा जिहड़ा पूरे दा पूरा जिहड़ा मैं एक इनू डिफाइन करां सब तो पहला ये दसना लाजमी है कि कंप्यूटर की है। कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक्स की एक महान देन है इस संसार नू इलैक्ट्रॉनिक्स यंत्र है जिसनों वर्तमान समय विच आज हर एक दे मूँह तो सुनिया जा सकता है। कंप्यूटर तो बिना बिल्कुल भी किसी भी फील्ड दे विच चले जाओ किसी भी खेत्र दे विच चले जाओ जितनिया भी मनुखी क्रियावां ने सुबह तो लैके शाम सुबह उठन तो लैके शाम सौन तक जितनिया भी क्रियावां ने टोटल इस कंप्यूटर दे नाल जिहड़ियां कंट्रोल कीतियां जांदियां वह चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का जिहड़ा खेत्र है तो वर्तमान समय दे विच एक अहम जिहड़ा अपना स्थान है वह जिहड़ा कंप्यूटर है बना चुक है ते ये यंत्र है जो कि इनफॉरमेशन नूं एग्जैक्ट करके अस्ट्रैक्ट करके इनफॉरमेशन नूं प्रोसैस करता है तो प्रोसैस किया हुआ जिहड़ा नतीजा आउटपुट के रूप के आपां नूं दिंदा है। तो मैं इत्थे दस दें जे आपां कंप्यूटर की जिहड़ी इतिहास के उपर आपां नज़र मारीे तो जिहड़ा कंप्यूटर का मेन जिहड़ा इतिहास है वह करीब 19वीं सदी दे विच तुहाडी स्क्रीन दे उपर जो शो हो रहा है चार्लस बैबेज जो कि मैथमैटिशियंस सीगे इन्हां ने अपने खोज दे नाल जिहड़ा कंप्यूटर है वह संसार की झोली पाया। इन्हां दा जिहड़ा जन्म है 26 दिसंबर 1791 दे विच लंडन दे विच होया और ये महान शख्सियत 18 अक्टूबर 1871 नूं इस दुनिया इस फानी संसार नूं अलविदा कह गई और अपनी अपने दिमाग दे नाल अपनी खोज सदका पूरे संसार नूं पूरे विश्व नूं एक बड़ी महान जिहड़ी देन है ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
मैं इतने दस दया कि कंप्यूटर लगभग 1836 पूरा होंद आया, पर इसका असली रूप जो 1946 प्राप्त होया। इस कंप्यूटर दे विच उस समय क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक्स भी अपना जो विकास कर रही थी, इलैक्ट्रॉनिक्स सर्किटा का पूरा विकास हो रहा सी नाल नाल, तां उस समय जो कंप्यूटर बनाया गया उस विच करीब 18,000 दे करीब जड़ियां वैक्यूम ट्यूब्स का जो उपयोग किया गया, इसका नाम जो एनिक रखा गया, ENIAC एनिक, ई इलैक्ट्रिक, एन नुमेरिकल, आई इंटीग्रेटर, ए आटोमैटिक, सी कैलकुलेटर, ENIAC। इथों इसका जो सफर जो शुरू होया, 18,000 के करीब जड़ियाँ ये वैक्यूम ट्यूब्स लगाई गई सगिया, तो उस तो जो पूरा जोड़ा सफर है जोड़ा शो होया शुरू होया, तो समुची दुनिया के सामने जोड़ा ये सामने जोड़ा आया कंप्यूटर, कंप्यूटर युग का जोड़ा आगाज है वह सही रूप के 1946 के मतलब शुरू होया। तो हुण आपां एक छोटी जी झात मारांगे कंप्यूटर हार्डवेयर दा जिहड़ा वी की है, परिभाषा की है, की मतलब है इहदा कंप्यूटर हार्डवेयर दा। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, रेफर्स टू द टेंजिबल थिंग्स यू कैन टच, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। मां बोली पंजाबी दे विच इसदा जिहड़ा मीनिंग है वह ये बनता है भी भाई कंप्यूटर हार्डवेयर तो भाव है कंप्यूटर दे ओ कंपोनेंट, ओ हिस्से जो कि आपां टच करके आपां उन्हां नूं महसूस कर सकते हैं, उन्हां नूं टच कर सकते हैं, इस नूं कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। तो मैं प्यारे सिखियार्थियों इत्थे दस दिया कि जिहड़ी कंप्यूटर की फस्ट जनरेशन, जिहड़ी कंप्यूटर की फस्ट जनरेशन का जिहड़ा आगाज है करीब 1946 तो 1960 के फस्ट जनरेशन अपने सामने आई, समुचे विश्व के सामने आई। 1960 तो 1960 के कंप्यूटर फस्ट जनरेशन का इस दे ऑपरेशन बहुत औखे से, इस वैक्यूम ट्यूब्स लगिया हुई सी, तुहानू दस्सिया 18,000 के करीब जिहड़ियां वैक्यूम ट्यूब्स का जिहड़ा उपयोग किया गया। मैमरी का जिहड़ा सिस्टम सी बड़ा लो लैवल का सी, बड़ा घट सी, और स्पीड का भी जिहड़ा बड़ा ही लो सी, बहुत घट सी स्पीड, एक्यूरेसी भी बड़ी घट सीगी। उस तों बाद फिर सैकेंड जनरेशन कंप्यूटर जिहड़ा आया 1959 तों लैके 1965 दे विच, इहदा साइज दे पक्खों इह काफ़ी जिहड़ा घट हो गया, स्पीड बहुत जिहड़ी थोड़ी वध गई सी इहदी स्पीड, और मैमरी का भी जिहड़ा वधा दिता गया सीगा, मैमरी भी वधा दिती गई सीगी। तो उस दे नाल इस दे विच जिहड़ी पहली वारी 1959 दे विच ट्रांजिस्टर टैक्नोलॉजी की वरतों की गई सी, ट्रांजिस्टर जो कि इलैक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा एक कंपोनेंट है, उसकी जिहड़ी पहली वारी वरतों इहदे विच सैकेंड जनरेशन कंप्यूटर दे विच कीती गई सी। उस तों अगे थर्ड जनरेशन दा जिहड़ा कंप्यूटर है वो 1965 तों 1971 दे विच समुचे विश्व दे सामने आया, स्पीड बहुत ज़्यादा वध गई सी, मैमरी दा जिहड़ा सिस्टम सी वह वधा दिता गया, और टाइम सेविंग दी और मल्टी प्रोसैसिंग टैक्नोलॉजी दा जिहड़ा सिस्टम सी इहदे विच सारा जिहड़ा वरतों कीती गई, और माइक्रो प्रोसैसर दा जिहड़ी इहदे विच जिहड़ी थर्ड जनरेशन है इहदे विच जिहड़ा उस तों अगे जिहड़ी फोर्थ जनरेशन 1971 दे विच संसार नूं जिहड़ी मिली उहदे विच माइक्रो प्रोसैसर दी जिहड़ी वरतों कीती जाण लगी। तां इस तरह जिहड़ियां अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी जिहड़ी जिहड़ा सफर है कंप्यूटर दा हुंदा होया, नाउ ए डेज जो वर्तमान समय के जी आई सीरीज, जी आई सीरीज का तुम वरत रहे हो i7 i5 i7 का जो उस उपर का जो है ये जो
लैपटॉप के रूप वरत रहे हैं। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो कंप्यूटर ने पूरा जो विकास किया। सो आप हूँ थोड़ा जा आने अपने विषय वाल भी कंप्यूटर जो हार्डवेयर का जो बेसिक जो है कंपोनेंट्स की ने इन आप तीन भागों के वंड सकते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से सिस्टम यूनिट। हूँ इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से सिस्टम यूनिट है कि इसका की मीनिंग है की मतलब है इस बारे आप जिक्र करांगे। इनपुट डिवाइस की गल करिए इनपुट डिवाइस का जिहड़ा मतलब है या मीनिंग है वह आप उस तो जिहड़ा भाव है वह ये है भी आप जिहड़ा डाटा कंप्यूटर दे विच एंटर करते हैं वह केड़े केड़े जिहड़े हैगे डिवाइस हैगे है केड़े केड़े हिस्से ने कंप्यूटर दे जिन्हां राही आप पूरा जिहड़ा डाटा है उहदे विच प्रोसैसिंग होने वास्ते आपू जोड़ा आप दें उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दें या कोई डाटा प्रोसैसिंग वास्ते आप प्रोसैसिंग वास्ते आप भेजते हैं। सब तो पहला जोड़ा मुख्य जोड़ा भाग है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड का जे आप देखिए कीबोर्ड की संबंध में यदि मैं थोड़ी जी हिस्टरी बारे मैं थानू चानना पा दिया। बेसिकली जड़ा कीबोर्ड है उस संबंधी कीबोर्ड का जड़ा खोज की गई मेन 19वीं सदी दे विच की गई और एदे विच जिहड़ी लोड़ महसूस हुई वह जदों आपां अक्खरां दे रूप दे विच कोई इनफॉर्मेशन आपां प्रोसैसिंग वास्ते भेजनी है जां अक्खरां दे रूप दे विच आपां लिख के जिहड़ी आपां टाइपिंग करके आपां उहनूं आपां कंप्यूटर नूं आपां भेजदे हां तां उस समय जिहड़ा पूरे दा पूरा जिहड़ा कीबोर्ड दी जिहड़ी आपां नूं जरूरत पई। कीबोर्ड दा बड़ा एक अहम जिहड़ा योगदान है। कीबोर्ड दे जरिए आपां टाइप करके पूरी दी पूरी जिहड़ी इनफॉर्मेशन है डाटा है उहनूं आपां उहदे विच एंटर करदे हां कंप्यूटर दे विच। उस तों जिहड़ा अगला जिहड़ा मेन जिहड़ा हैगा इनपुट डिवाइस है माउस ते जॉयस्टिक। माउस ते जॉयस्टिक माउस इज हैंड क्लिकड डिवाइस यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। माउस दे जरिए आपां क्लिक करके हाथ दे नाल इहनूं पकड़ के क्लिक करके आपां जिहड़ा एरो दे रूप दे विच एक पॉइंटर हुंदा उहनूं आपां एक थां तों दूसरी थां ते आपां ले जांदे हां जिहदी सहायता दे नाल आपां जिहड़ा डाटा हैगा वो किसी फाइल दे विच आपां एंटर करदे हां जां उतों आपां डाटा खोल के आपां देखदे हां वी आपां उस तों आउटपुट लैंदे हां उस फाइल तों जो भी इनफॉर्मेशन उहदे विच हुंदी है ये फाइल नूं खोलण दा ते उहदे विचों डाटा प्राप्त करन दा जिहड़ा एक डिवाइस है माउस दे रूप दे विच आपां जिहड़ा यूज़ करदे हां। जॉयस्टिक बड़ा ही जिहड़ा मोबाइल क्रांति तों पहलां लगभग 1980 तों 90 दे दहाके दे विच जिहड़ा बड़ा ही जोर रहा वीडियो गेम्स कंप्यूटर गेम्स खेडण दा एक लोकां दे विच बड़ा ही क्रेज़ सी कंप्यूटर दे उपर गेमां खेडियां जांदियां सी तां उस हालत दे विच उस गेम नूं खेडण वास्ते जिहड़ी जॉयस्टिक दी जिहड़ी वरतों कीती जांदी सी। तां इस तों अगे जिहड़ा आपां गल करांगे इह सी बेसिकली जिहड़े अपने इनपुट डिवाइसिस ने। तां उस तों अगे ट्रैक बॉल बेसिकली अपसाइड डाउन डाउन माउस यह भी एक तरह नाल जिहड़ा माउस है। उस तों अगे जिहड़ा लाइट पेन है लाइट पेन स्क्रीन दे उपर किसी भी तरह नाल आपां सॉफ्टवेयर दे जरिए इस लाइट पेन दे नाल आपां
कोई सिग्नेचर जां कुछ भी आपां अपने हत्थां दे विच जिस तरह दूसरा आम पेन फड़ के आपां पेज दे उपर लिखते हैं उस तरह के नाल ही यह कंप्यूटर दे विच आपां जो लिख के आपां इसकी सहायता दे नाल जो डाटा है वह एंटर करते हैं प्रोसैसिंग होने वास्ते जो आपां डाटा पूरे का पूरा आपां इहदे विच एंटर करते हैं। लिखा गया ए डिवाइस यूज टू ड्रा राइट और इशू कमांड्स वैन इट टच ए स्पैशली डिजाइन स्क्रीन। ठीक है जी, तो वो नाल नाल जो आप कुछ लिखते हैं इस सहायता के नाल पूरे का पूरा जिहड़ा हैगा वो अपनी स्क्रीन के उपर पूरे का पूरा जिहड़ा शो हुंदा जांदा हैगा जिस जिस तरह आप लिखी जाने इसकी सहायता के नाल उवें वो शो हुंदा। इस तो अगे जिहड़ा मेन इनपुट डिवाइस है स्कैनर ते माइक्रोफोन। स्कैनर दे नाल आपां किसी भी डाकूमेंट नूं किसी कोई भी डाकूमेंट है जिस दे उपर पूरे का पूरा कोई लिखा होया लिखती रूप दे विच कोई इनफॉर्मेशन है कोई ग्राफिक जां कोई पिक्चर रूप दे विच ला लो है डाटा तां उहनूं स्कैन करके आपां कंप्यूटर दे विच एंटर करते हैं उहनूं प्रोसैस होने वास्ते स्कैनर दी सहायता दे नाल। और उस तो जिहड़ा नैक्सट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन दे जरिए आपां अपनी आवाज़ दे नाल आडियो सिग्नल्स नूं ये लैके पूरे का पूरा जिहड़ा प्रोसैसिंग करदा है आडियो सिग्नल्स माइक्रोफोन दे जरिए कंप्यूटर दे विच एंटर हो जांदे आ कंप्यूटर सिस्टम दे विच एंटर हो जांदे आ ते उहनूं प्रोसैसिंग होने वास्ते जिहड़ा हैगा वह अपना रोल अदा करदा है। माइक्रोफोन जिहड़ा हैगा साउंड दे द्वारा जिहड़ा कंप्यूटर नूं इनपुट देने वास्ते अपने साउंड दे जरिए आडियो सिस्टम दे जरिए इनपुट देने वास्ते ये माइक्रोफोन वरत्या जाता। तो उस तो अगे जिहड़ा आपां गल करांगे प्यारे सिखियार्थीओ आउटपुट डिवाइसिस दी। आउटपुट डिवाइसिस तो भाव ये है आउटपुट डिवाइसिस तो बेसिकली ये है भी जिस राही आपां नूं इनफॉर्मेशन आउटपुट दे रूप दे विच आपां नूं मिलदी है इनफॉर्मेशन जिहड़ी डाटा जिहड़ा प्रोसैस हो के पूरे का पूरा आपां नूं शो हुंदा भी जो आपां डाटा आपां एंटर करते हैं किसी भी परपज वास्ते उहदा जिहड़ा पूरे का पूरा रिजल्ट है वह आपां नूं शो हुंदा हैगा। और वो बेसिकली मोनीटर दे उपर शो हुंदा है तुसीं देख सकते हो मोनीटर दे उपर CRT कैथोडे ट्यूब हुंदी है तां ये मोनीटर टाइम टू टाइम टाइम पा के जिहड़े मोनीटर है वह भी अपने जिहड़े पूरे दे पूरे जिहड़े रूप है वह इन्हां दे जिहड़े चेंज हुंदे रहे है। अजकल जिहड़े LEDs दे रूप दे विच स्मार्ट जिहड़े मोनीटर है वह समुचे विश्व दे सामने है। इस तो इलावा प्रिंटर्स ने इंकजैट प्रिंटर्स लेजर प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर्स तीन तरह नाल जिहड़े प्रिंटर्स मैं शो कर रहा तुहाडी स्क्रीन दे उपर इंकजैट प्रिंटर्स लेजर प्रिंटर्स और इंपैक्ट प्रिंटर्स ये जिहड़े सारे प्रिंटर्स ने टाइम टू टाइम इलैक्ट्रॉनिक्स जां कंप्यूटर इंजीनियर्स दे सहयोग दे नाल अपना जिहड़ा विकास है इन्होंने बड़ा ही मतलब शिखर से जो हो चुका है इन्हों का जो विकास है। और फोटोग्राफी खेत्र दे विच जां किसी भी प्रकार नाल दफ्तरी कामों दे विच जिहड़ा प्रिंटर है एक अपना जिहड़ा अहम योगदान समुचा कंप्यूटर ही अपना अहम योगदान जिहड़ा निभा रहा है तो यह अतकथनीय हो यह कहना मतलब कि बहुत छोटी जी गल लगती है भी कंप्यूटर तो बिना बिल्कुल ही कोई जिहड़ा काम है अज पूरे समाज दे विच पूरी धरती दे उपर है जिहड़ा वह पॉसीबल ही नहीं। तो इस तो अगे आपां हार्डवेयर दे जिहड़े इनपुट ते आउटपुट डिवाइसिस बारे जिहड़ा आपां थोड़ा जिहा डिस्कस कर लिया हैगा तो अगे चल के आपां अगला जिहड़ा आपां देखांगे CPU बारे। CPU दे विच सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट दे विच जिहड़ा मदरबोर्ड जिहड़ा बेसिकली जिहड़ा लग्या हुंदा मदरबोर्ड तो की भाव है मदरबोर्ड तो भाव यह है भी ये एक पूरे का पूरा जिहड़ा PCB दे उपर जिहड़े इलैक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स माउंट किए होंगे अलग अलग और
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਈਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਇਨਸਾਈਡ ਯੂਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੈ ਦ ਮਦਰਬੋਰਡ ਕੰਟੇਨਸ ਦ ਕੋਨੈਕਟਰਸ ਫੋਰ ਅਟੈਚਿੰਗ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡਸ ਸੱਚ ਐਸ ਦਾ ਸੀਪੀਯੂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਬਾਇਓਸ ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ ਮੈਮਰੀ ਮਾਸ ਸਟੋਰੇਜ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਸੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਪੋਰਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਲੋਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਦੈਟ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰੀਫਰਲਸ ਡਿਵਾਈਸ ਸੱਚ ਐਸ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਕੀਬੋਰਡ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਪੀਯੂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਸਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਸਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਲੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਟਿਮ ਔਰ ਡਰੈਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਸਲੋਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਪੀਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਡਾਟੇ ਦੀ ਇਹ ਸਪੀਡਲੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਈਸੀ ਹੈ ਚਿੱਪ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪਿੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਮਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਰੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੰਘੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਤਾ ਰੈਮ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਮ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ
पार्ट है जो कि इनफॉर्मेशन स्टोर करता है तो प्रोसैसिंग करने विच उसनू सहायता करता है। प्रोसैसिंग स्पीड ऑफ रैम इज मच फास्टर दैन अ हार्ड डिस्क बट रैम इज अ वोलाटाइल डिवाइस विच मीनस वैन ए कंप्यूटर सिस्टम इज शट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर इज वाइप्ड आउट फ्रॉम रैम वेयर एज हार्ड डिस्क इज नॉन वोलाटाइल विच मीनस इट स्टोर द डाटा परमानेंटली। कहने का भाव यह है ठे पंजाबी दे विच आपां गल करिए रैम है जी ये की है परमानेंट ये डाटा जरा स्टोर नहीं होंगे टैंपरेरी तौर पर जरा जो डाटा है वो स्टोर होंगे गा जो हार्ड डिस्क है वो जी स्पीड वध होंगी हैगी डाटे प्रोसैस कर बट की है जो आप सिस्टम शट डाउन कर दें बंद कर दें तो ये जो डाटा है वह खत्म हो जाता है गा बट जो की है हार्ड डिस्क के उपर जो डाटा है वह स्टोर रहा है पूरा पूरा स्टोर रहा है। इस दे जेडे खोजी सी रैम दे जेडे ओ तुहाडी स्क्रीन दे उपर शो हो रहे ने थॉमस जे वाटसन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रैम कम अबाउट इन 1947 विद द यूज ऑफ द विलियम ट्यू हाउएवर रैम एज वी नो इट टुडे A solid state memory was first invented in 1968 by Robert Dinard 1968 de vich inhane edi khoj kiti known specially as dynamic random access memory or DRAM transistor were used to store bits of data ede vich jehdi electronics di transistor technique hai onu use kita gaya डाटे नूं स्टोर करन वास्ते। तां इह जिहड़ी गल सीगी रैम दी आपां पूरी दी पूरी जिहड़ी तुहानूं दस्सिया गा। उस तों अगे आपां गल करांगे बेसिक जिहड़ा आपां नूं मिलदी आ कीबोर्ड दी जिहड़ी आपां गल कर रहे सी इनपुट आपां कीबोर्ड दे द्वारा आपां डाटा जिहड़ा एंटर करदे आ। कीबोर्ड दे बारे मैं तुहानूं दस ही चुक्या वी कीबोर्ड is another type of computer hardware that is used to give input text commands to the computer text de roop de vich akharan de roop de vich aapa koi command denne aa computer nu the keyboard can be wired or wireless e wired wire wala bhi ho sakda hai aur wireless bhi hunda hega jis tarah samay samay de naal jis tarah electronics ne viksit kita apne aap nu usse tarah hi jede electronics de jede इंजीनियर से उन्होंने कंप्यूटर के जोड़े डिवाइस है उन्होंने भी नाल नाल जो विकसित किया पहला जोड़ा कीबोर्ड से वो हमेशा ही कंप्यूटर के नाल एक वायर के जरिए बजा रहा पर वर्तमान समय के वायरलैस कर दिता गया है तार तो बिना कर दिता गया है और पूरे का पूरा जोड़ा स्पीड का सिस्टम है वह भी बहुत ज़्यादा स्पीडली आप डाटे टैक्सट रूप के कंप्यूटर दे विच प्रोसैसिंग वास्ते आपां जिहड़ा डाटा है वह एंटर कर सकते हैं। तो यदि आपां हिस्टरी वल झात मारीे तो द हिस्टरी ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कीबोर्ड बिगेन्स विद ए डायरैक्ट इनहेरिटेंस फ्रॉम द इनवेंशंस ऑफ द टाइपराइटर इट वॉज क्रिस्टोफर लैथम शोल्ज़ हू इन 1868 patented the first practical modern typewriter soon after 1877 ishvi de vich keyboard da jehde khoji sige ohna ne inu samuchi duniya de samne remington company de jariye market de vich jehda pehla typewriter de roop de vich समुचे संसार की झोली पाया ये जी हिस्टरी है। तो यह तो सी जी कीबोर्ड की गल जिस राही जो आप पूरे का पूरा जो डाटा है आप एंटर करते हैं प्रोसैसिंग वास्ते इनफॉर्मेशन लैन वास्ते। और इस तो अगे आप गल करांगे मोनीटर की मोनीटर तो भाव
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸੀਪੀਯੂ CPU ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ ਬਾਏ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਿਸਪਲੇਡ ਬਾਏ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਆਰ ਦਾ much high quality compared to the television set ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਫਸਟ ਮੋਨੀਟਰ ਯੂਜ਼ CRT ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ CRT ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ CRT ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਦਾ ਫਸਟਲੀ ਮੇਡ ਇਨ 1922 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CRT ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ The earlier commercial version was produced in 1954. 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਦਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰ 50 ਈਅਰਸ ਅੰਟਿਲ 2000 ਵੈਨ ਦਾ LCD ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੀਪਲੇਸ ਇਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਾਇਓਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ LCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ LED ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕਰੀਨ ਜੋ ਸਮਾਰਟ TVs ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੋਨੀਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਸੀਗਾ 1922 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ LCD ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ LED ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਔਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਦੈਨ transfer that displayed information to paper printer to ki bhav hai punjabi de vich main tonu dassan apan kise vi prakar de naal koi data jehda keyboard de rahi apan processing vaste apan bhejde hain text roop de vich aur output roop de vich jehda printer hai apan nu page de upar ohnu chhap ke pradan karda hai ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀਅਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ 1938 ਤੋਂ ਚੈਸਟਰ ਕਾਰਲਸਨ ਜੋ ਇਹਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਨੇ 1906 ਤੋਂ 1968 ਦੇ
समय के दौरान जिहड़ा इन्होंने एक ड्राई प्रिंटिंग प्रोसैसिंग प्रोसैसिंग सिस्टम जिहड़ा पूरे समुचे विश्व नूं दी झोली पाया। उस तो बाद जिहड़ा ये पूरे का पूरा जिहड़ा सफर है चलदा चलदा जिहड़ा पूरे का पूरा नाउ ए डेज जिहड़े मैं तुहानूं दस्से है विश्व ने विश्व दे विच जिहड़े मेन जिहड़े तीन तरह नाल जिहड़े प्रिंटर ने जिहड़े काम कर रहे है वो हर एक अदारे दे विच तुसीं देख सकते हो। हर खेत्र दे विच जिहड़ा प्रिंटर है पूरी अपनी भूमिका निभा रहा है पूरी की पूरी इनफॉर्मेशन नूं एक कागज़ के जरिए तुहानूं प्रदान करन वास्ते इंकजैट प्रिंटर लेजर प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर। तो मैं अगे अज जिहड़ियां पूरी दा जिहड़ा पूरा अपना कंप्यूटर हार्डवेयर दा जिहड़ा अपना टॉपिक सी तां उहदे विच एक मुढ़ली जानकारी जिहड़ी मैं देण दी कोशिश कर रहा हाँ भी पूरे दा पूरा जिहड़ा हार्डवेयर है कंप्यूटर दा किहड़े किहड़े पार्ट ने किस तरह वो दुनिया के सामने आए और उन्हां दा की काम हैगा गा इस बारे। तां इस तों अगे कंप्यूटर हार्डवेयर का जिहड़ा एक अहम अंग अंग है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई पूरे दे पूरे कंप्यूटर नूं सप्लाई पावर सप्लाई प्रदान करता है जो तुहाडी स्क्रीन दे उपर तुसीं देख सकते हो शो हो रहा है SMPS कैब CPU का जिहड़ा कैबिन हुंदा हैगा उहदे विच जिहड़ा पूरा इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस SMPS लग्या हुंदा है और वक् वक् जिहड़ियां केबल्स के जरिए ये हार्ड डिस्क नूं मदरबोर्ड के अलग अलग जिहड़े कंपोनेंट्स लगे हुंदे है उन्हां नूं जिहड़ी पावर सप्लाई मुहैया करता है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। जितनी भी जिस कंपोनेंट्स या डिवाइस नूं जरूरत हुंदी है वोल्टेज की उतनी वोल्टेज यह सप्लाई करता है सारे सिस्टम नूं मदरबोर्ड दे जितना भी सिस्टम हैगा गा उन्हूं पावर सप्लाई प्रदान करता है। तां SMPS जिहड़ा बेसिकली स्टैंड करता है स्विच मोड पावर सप्लाई बेसिकली इहदी जॉब जिहड़ी हैगी है कन्वर्ट वाल वोल्टेज AC पावर टू लोअर वोल्टेज DC पावर AC पावर नूं जिहड़ी हैगी है DC दे विच इह कन्वर्ट करके मोस्ट कंप्यूटर चिप्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड पावर इन द जनरल नेबरहुड 1.2-3.3 वोल्ट विद सम ओल्डर डिवाइसिस रिक्वायरिंग 5-12 वोल्ट। मतलब कहन दा इह है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई दा जिहड़ा रोल है वह मैं तुहानूं पहलां दस चुके हैं भी मदरबोर्ड दे विच जिहड़े कंपोनेंट्स काम करते हैं पूरे दे पूरे सिस्टम नूं चलाउण दे विच जिथे जिथे भी जितनी जितनी वोल्टेज की लोड़ है लोड़ के मुताबिक उन्होंने ये पावर मुहैया करता पावर सप्लाई मुहैया करवाउंदा हैगा। और इस तों अगे आपां गल करिए UPS की गल करिए अन इंटरप्ट पावर सप्लाई का एक जिहड़ा हैगा सिस्टम है जिहदे राही अगर पावर फेलर हुंदी है पावर फेलर होण दे समय ये UPS जिहड़ा सिस्टम है अन इंटरप्ट पावर सप्लाई सिस्टम है ये अपने कंप्यूटर नूं कुछ समय लई जिहड़ा एक बैकअप दे दिंदा हैगा तां जो जिहड़ा कंप्यूटर दा जिहड़ा डाटा हैगा उह सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार दा जिहड़ा लॉस है डाटे दा उह ना होवे। ये UPS जिहड़ा हैगा पूरी दा पूरा रोल अदा करदा हैगा पावर फेलर होण तों बाद जिहड़ा अपना कंप्यूटर है वह चलदा रहिंदा हैगा। तां बहुत बहुत धन्नवाद मैं निमी चैनल दे जरिए अपने सत्कारयोग ट्रेनिंग अफसर परमजीत जी स्वर्णदीप जी और डिप्टी डायरेक्टर विजेंद्र धवन जी और मेरे प्रिंसीपल सत्कारयोग प्रिंसीपल श्रीमती रुपिंदर कौर जी ते GI सरदार इकबाल सिंह जी और मेरा समुचा स्टाफ गौरमेंट IT जैतो का जो समुचा स्टाफ है जिन्हों की प्रेरणा सदका मैं
इस निमी चैनल के जरिए अपना जिहड़ा ज्ञान है एक इलैक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर का जिहड़ा फर्ज है वो मैं ऑनलाइन अपने सिखियार्थियों नूं प्रदान कर रहा हाँ ज्ञान की जी वंड कर रहा। मैं बहुत धन्यवादी हाँ इन्हां शख्सियतों का जिन्हों का मैं नाम लैता है। और अगर किसी भी सिखियार्थी के जहन के विच किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो इस जिहड़ा अज का अपना जिहड़ा टॉपिक है उस संबंध में मैनू पुछ सकदा है। और स्क्रीन के उपर जिहड़ा मेरा नाम ते मेरा जिहड़ा फोन नंबर और मेरा जिहड़ा वट्सअप नंबर है वो तुहानू जिहड़ा शो हो रहा है और तुसीं इस दे नाल इस तरह ही जिहड़ा मैं इत्थों कोई भी इस संबंधी जिहड़ा इस टॉपिक दे संबंधी मैनू जिहड़ा क्वेश्चन है वो पुछ सकदे हो। हेलो 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 बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा जिहड़ा हैगा लैक्चर सुनन लई। और मैं अखीर दे विच फिर मैं तुहाडा जिहड़ा ध्यान है मिशन फतेह वाला और कोविड 19 वैरियर दे तौर ते मैं तुहानू दस दियां कि जिहड़े इहदे मुख लक्षण ने जदों आपां वायरस तों पीड़ित हो जाणा जिहड़ी एक मनुख दी मनुख दा जिहड़ा शरीर है अगर उह इस वायरस तों पीड़ित हो जांदा है तां उस नूं किस तरह दा जिहड़ा अनुभव हुंदा है इह तुहाडी स्क्रीन दे उपर जिहड़ा शो कीता गया हैगा। बुखार थकावट और कंटीन्यूसली जिहड़ा खंघ दा आउणा और टेस्ट दा जिहड़ा और स्मैल लैण दी जिहड़ी समर्थ है सुंघन शक्ति ते स्वाद चखण दी जिहड़ी शक्ति है वह जिहड़ी मनुख दी खत्म हो जांदी है। और वायरस जदों फेफड़िआं दे विच एंटर कर जांदा है तां सांह लैण दे विच आपां नूं तकलीफ आउंदी है ते सो यही बेनती है कि मिशन फतेह दे तहत मिशन फतेह नूं जिहड़ा कामयाब बनाउण दे विच योगदान पाओ अपने पूरे समाज नूं इस वायरस तो जिहड़ा सुरक्षित रखो ता ही आपां अपने बच्चों नूं अपनी नवी पीढ़ी नूं एक सुरक्षित भविष्य वल लेके जा सकेंगे। हेलो हेलो ईश्वर सर मेरा ख्याल कोई क्वेरी आ नहीं रही अपना एंड करिए जी। जी बिल्कुल सर बिल्कुल परमजीत सर थैंक यू वेरी मच शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी इतना साथ देने थैंक यू सर थैंक यू सर मेहरबानी सर।